नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास सिंह और आप सभी का स्वागत करते हैं अपने टेक्निकल चैनल जिसका नाम है एंड्रो गुरुजी। और बताते हैं, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है दोस्तों, हमारे पास आ चुका है M2 Pro यानी पोको M2 Pro जो है। जैसे कि मैंने कहा था कि जल्दी हमारे पास एक और डिवाइस आने वाला है, तो यही है वो डिवाइस। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और इसकी अनबॉक्सिंग देखो, क्योंकि आगे आपको एक गिव अवे भी आने वाला है। अब वो किस चीज़ का गिव अवे है वो मैं 5000 सब्सक्राइबर पे आने पे बताऊंगा आपको। तो ज़रूर से यार, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से उसको सब्सक्राइब कर लो। और अब देखो पोको M2 Pro की अनबॉक्सिंग और इसके थोड़े बहुत जो फीचर्स हैं, क्या क्या इसके अंदर नहीं आया है और क्या कुछ गवर्नमेंट ने बैन कर दिया और इसके अंदर अभी भी अवेलेबल है। साथ ही दोस्तों एक और अपडेट भी जो यहाँ पर निकल के आता है 250 MB का, उसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर दे दूंगा और फुल एक अपडेट वीडियो भी मैं ज़रूर से इसका लेके आऊँगा। तो फटाफट से चलते हैं यहाँ पर, आप इसकी अनबॉक्सिंग देख लीजिए। तो दोस्तों अगर डब्बे की बात करें तो डब्बा कुछ इस तरीके का दिखता है इसका, पीछे की तरफ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दिख जाती है और आगे की तरफ लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर #India's #1 brand। हर कोई डब्बे पर अपने छाप ही देता है, रियलमी हो गया, वो ओपो हो गया, पोको हो गया, सब अपने में छाप देते हैं, भाई साहब हम इंडिया के #1 ब्रांड हैं। तो ये चीज़ें दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरीके का जो है यहाँ पर बॉक्स दिखता है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बॉक्स को खोल के आपको दिखाऊं तो कुछ भी नहीं मिलता है इसके अंदर। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमको नीचे डब्बा खोलने के बाद मिल जाता है एक यहाँ पर इसका जो केस है, कवर है, काफ़ी अच्छा मेरे को ठीक ठाक क्वालिटी लगी, इतना कोई खास क्वालिटी नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ठीक यहाँ पर लगा है। और साथ ही में यहाँ पर एक सिम इजेक्टर टूल देखने को हमको मिल जाता है जो कि काफ़ी स्टाइलिश और अजीब सा है देखने में, गोल गोल करके। अगली जो दोस्तों हमको चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है वो है हमारा पोको M2 Pro जो कि हमारा प्यारा दुलाला फ़ोन है जो इसके अंदर देखने को हमको मिलता है। जो मैंने यहाँ पर ऑर्डर किया दोस्तों वो है यहाँ पर ग्रीन एंड ग्रीनरी वाला, जो मतलब इसका नाम इन्होंने दे रखा है वो यहाँ पर किया है। इतना खास भी मुझे नहीं लगा, मेरे को ब्लैक लेना था बट वो मिला नहीं, 2 shades ऑफ ब्लैक वाला जो था वो काफ़ी बढ़िया था, लेकिन इसके अंदर भी हमको 2 shades जो है देखने को मिल जाती है। और पैक की तरफ से कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है और फ्रंट से कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। चलते नेक्स्ट चीज़ की बात करते हो तो डेटा केबल जो कि काफ़ी आसानी से निकाल जाती है, Type-C to Type-A वाली या Type-A to Type-C वाली जो कि आप इसको कह सकते हैं, जो कि हमारे बड़े से ब्रिक में यहाँ पर 33 वॉट का, मतलब आधे डब्बे का वेट तो इसी की वजह से था। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कितना बड़ा सा चार्जर है और ये 33 वॉट का चार्जर इसके अंदर दिया गया है जो कि हमारी 5000 mAh की जो बैटरी इसके अंदर लगाई गई है वो काफ़ी जल्दी से चार्ज कर देगा। बाकी अगर मैं छोटी मोटी चीज़ की बात बता दूँ यहाँ पर, फटाफट से हम इसको ऑन कर लेते हैं और ऑन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने यहाँ पर चीज़ नोटिस करी दोस्तों वो है यहाँ पर इसके अंदर हेलो ऐप। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर अभी भी जो गवर्नमेंट ने इतने टाइम से बैन कर रखा है वो ऐप इसके अंदर अभी तक अवेलेबल है। और इंटरेस्टिंग बात ये है दोस्तों, इसके अंदर एक और ऐप हमको देखने को मिल जाता है WS Office भी आप अगर जानते होंगे, WPS Office था या पता नहीं कुछ इस तरीके से उसका नाम है। तो ये आपकी स्क्रीन में देख सकते हैं आप लोग, यही ऐप जो है ये काफ़ी टाइम से जो है ऑलरेडी बैन कर दिया गया है, वो हेलो के साथ ही कर दिया गया था बट ये अभी तक रिमूव नहीं किया गया है। हो सकता है ये उससे पहले बना हो या उसके बाद, हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं है, या फिर ये जो सॉफ्टवेयर है इसका कोई अपडेट यहाँ पर जो एक आ रखा है। मैं इन दोनों ऐप्स को जो है रिमूव नहीं करने वाला और देखते हैं कि क्या ये जो दोनों ऐप्स हैं वो यहाँ पर खुद ब खुद रिमूव होते हैं कि नहीं जब मैं अपडेट करता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर मेरे को नेक्स्ट एक सरप्राइजिंग चीज़ और देखने को मिली जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगी यार, अगर आप इस फ़ोन को ख़रीदने वाले तो आपने बहुत सारे रिव्यूज़ भी देखे होंगे, उसके अंदर आपको यहाँ पर क्लीन मास्टर जो कि काफ़ी मतलब चीता मोबाइल का ये क्लीन मास्टर होता है और ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर चुका है इसकी पायरेसी को, मतलब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ये अपना डेटा वेटा जो है बाहर भेजता है, इस तरीके जो है खबरें हमको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो कुछ इसी तरीके की चीज़ इसके अंदर मेरे को देखने को मिली, मैं इसमें से कुछ भी अनइंस्टॉल नहीं करने वाला जो इसके अंदर ब्लूटवेयर आया है। देखता हूँ यहाँ पर हेलो ऐप और WPS जो ऑफिस का जो ऐप है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिव्यू होता है कि नहीं, तो देखेंगे इस चीज़ को कि क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी यार इसकी कस्टम रोम्स, इसकी कस्टमाइजेशन, इससे लेकर एक हर एक चीज़ के बारे में हम इसके ऊपर एक वीडियो जो है डेडिकेटेड वीडियो जो है हर चीज़ के ऊपर बनाने वालेंगे, इसके परफॉर्मेंस के ऊपर, इसकी सारी चीज़ों के ऊपर, बैटरी परफॉर्मेंस कितनी देता है, डीप लोड करने के बाद क्या परफॉर्मेंस रहती है, हर एक चीज़ आपको इसी चैनल में मिलेगी। चार्जिंग टेस्ट, बैटरी बैकअप टेस्ट हो गया, कुछ भी यहाँ पर आपको गेमिंग टेस्ट हो गया, पबजी के ऊपर पूरी गेम खेली जाएगी दोस्तों। मेरा गेमिंग चैनल भी है, उसको जाके फटाफट से जो है सब्सक्राइब कर लो। और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो हम इस फोन के अंदर जो आपको बताने वाले हैं। आई होप आपको ये जो वीडियो वो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको मैं M2 Pro की हर एक जानकारी मैं इसी चैनल पे देने वाला। इससे पहले मैं दोस्तों काफी सारे जो पोको X2 के जो है वीडियो मैं बना चुका हूं, एक बार जरूर विजिट करिए मेरे चैनल पे, देखिए जाके कि क्या कुछ यहां पर निकल के आता है पूरे चैनल पे। इसके अलावा गिव अवे भी तो आने वाला है,
प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कर दो वीडियो को, ये वाला अगर अभी तक नहीं किया हुआ यार वैसे तो आपने कर दिया होगा मुझे पता है, और अपने दोस्तों के साथ भी जाके शेयर इसको कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।